Not a subset. क्यों सर? क्वेश्चन बहुत से हैं, यहाँ लेंगे आप लिख बदलेंगे ए देखो इसमें जो एलिमेंट है इस सेट में जो एलिमेंट है एलिमेंट क्या है बताओ सिर्फ ये वाला इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है ए है एलिमेंट बी है और सी इस सेट में ये तीन एलिमेंट है और इसमें ये एलिमेंट है तो क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें है? देखो ये जो एलिमेंट है ऐसा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है इसमें तो हम क्या बोलेंगे नॉट अ सबसेट। यदि ये इस तरह का होता ध्यान से सुनना यदि ये इस तरह का होता कि ये ए है और ये बी आ गया और सी आ गया तो अब ये सबसेट एलिमेंट है वो इसमें दिखाई दे रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल 3-2 इस तरह का यदि सिचुएशन है यहाँ 3-5 ना तो हम यहाँ बोलेंगे सबसेट है क्यों क्योंकि 3 और 2 ये दोनों ही इसके अंदर एलिमेंट है ये इसके अंदर दिख रहा है एज इट इज तो क्या हो जाएगा ये सबसेट का सिंबल आ जाएगा। तो अभी क्लियर हुआ ये सिचुएशन क्या लिखते हैं नॉट अ सबसेट। डाउट अभी क्यों नॉट अ सबसेट क्योंकि ये एज इट इज इसमें दिख नहीं रहा है कहीं ये ए है समझ आया हाँ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये कर लेते हैं 9 तो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आप पहले अपने सारे लोग डिसीजन ले लो इस पर फिर डिस्कस करते हैं है ना कोई किसी को मत बताओ कि उनका डिसीजन क्या है देन विल डिस्कस साइंटिस्टली। अपनी नोटबुक में लिखो सारे 9 पार्ट्स हैं और देखो क्या डिसीजन है ट्रू फॉल्स आपको आंसर करना है। सारे हो गए? हाँ सर। हाँ सर। चलो पहला डिस्कस करते हैं। बताओ ये कैसा है? ट्रू है कि? ट्रू है। ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये बोला जा रहा है कि फाई बिलोंग्स टू फाई। यदि ये ट्रू होता है, हाँ है, बिल्कुल ट्रू है। देखो तुम्हें बता दूं, ये है फाई। अच्छा तुम ये कहोगे कि ये फाई है, तो ये फाई नहीं है। लेकिन ये तो फाई क्यों नहीं? ये फाई नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे जब सेट्स का भी सबसेट पावर सेट पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे। बल्कि इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसके अंदर एक एलिमेंट है। ये बता रहे कि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है फाइव और इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है ना। तो अच्छा ये इसके अंदर लाई करेगा क्या? नहीं करेगा सर, मैं समझा नहीं। ये जो फाई है ये एम्प्टी सेट है, ये ट्रू है ना? हाँ सर। हाँ। लेकिन ये जो है, हम ये कहें कि फाई बिलोंग्स टू फाई, तो इसमें जो पहला फाई है, फाई बिलोंग्स टू फाई में ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। अच्छा ये एक सेट। ओके। बिलोंग कर, जैसे मैं कहूं कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो इसका क्या मतलब है कि ए यदि जो सेट है उसमें कहीं ए दिख रहा होगा, है कि नहीं? और यदि ये होता है तो इस वाले फाई में कहीं ये फाई दिखेगा क्या? ऐसा है क्या? नहीं है ना? नहीं नहीं। तो ये कैसे स्टेटमेंट? फॉल्स। देखो हम बिलोंग्स टू कब कहते हैं, कब बोलते हैं ये सिचुएशन। जैसे हमने कहा बिलोंग्स टू 2, 3, 4, क्या ये ट्रू है? हाँ सर। हाँ सर। ट्रू है वो इस सेट के अंदर दिख रहा है। ये फाई कुछ ऐसा है, यदि ये ऐसा होता, ये फाई होता कुछ इस तरह का, तो ये ट्रू हो जाता। क्यों ट्रू? हाँ। ये एलिमेंट है और ये इसके अंदर दिख रहा है, सेट के अंदर। हाँ। तो ये ट्रू हो जाता। हाँ। ओके। लेकिन समझे। ये इसके अंदर दिख रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। एलिमेंट नहीं अंदर है ही नहीं। हाँ लॉन्ग करेगा। हाँ करेगा क्या? जब है ही नहीं तो कहाँ लॉन्ग? सर मतलब इसका वो क्वेश्चन नंबर 9 में 4 है वैसा ना, मतलब वो ट्रू हो जाएगा ना? हाँ नहीं वेट अभी सिर्फ इसको ही बात करते हैं अभी, फोर पे मत जाओ, डिस्कशन अलग है अभी। चलिए इतना समझा क्या ये सिचुएशन, देखो ये वाला 2 इसके अंदर दिख रहा है। हाँ सर, हम बोलेंगे 2 belongs to this set। हाँ ओके, हाँ हाँ हाँ, इसके अंदर है ही नहीं। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे, दिस नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। हाँ हाँ हाँ, इसके अंदर दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे, दिस बिलोंग्स। यहाँ पे ये कैसा हो गया, ये फॉल्स हो गया। ओके, हाँ समझ गए। हाँ अभी सेकंड पे चलते हैं, सेकंड से क्लियर हुआ। ये फॉल्स है, फॉल्स है। ये ट्रू होगा क्योंकि पाई मतलब ही 0 होता है ना, पर 0 एलिमेंट है, एलिमेंट है। पाई इज एम्प्टी। यदि ये ट्रू होगा 0 इसके अंदर दिखाई देगा, फिर वो एम्प्टी नहीं होता, एलिमेंट होता ही नहीं है। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, 0 इसका एलिमेंट नहीं होता। हाँ, पाई में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं, लेकिन 0 इसके अंदर एलिमेंट हो गई। यदि ये इसका एलिमेंट हो तो उसमें एक एलिमेंट तो हो ही जाता ना। तो ये भी क्या होगा, अच्छा बताओ थर्ड, बताओ थर्ड 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 ट्रू है। हाँ सॉरी, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ फॉल्स है, थर्ड फॉल्स है क्योंकि एलिमेंट है उसके अंदर, तो वो एम्प्टी सेट हो नहीं सकता। है? अच्छा ये फॉल्स है। अब ये ट्रू है ना। हाँ, फोर्थ वाला ट्रू है। फोर्थ वाला बता, ट्रू है कि नहीं? फॉल्स। फोर्थ ट्रू है। अब देखो ये सबसेट में इक्वालिटी। हाँ ये इक्वालिटी है। बताओ फॉल्स। ऐसा इक्वल है क्या? नहीं, एम्प्टी सेट को मैंने ऐसे लिखा। क्या ये इक्वल है? नहीं, पाई है, फॉल्स है। ये भी क्या हो गया, फॉल्स। अभी समझा क्या? हाँ पक्का, ये भी फॉल्स है। हाँ ये सर इतने का हटा देता हूँ। फिफ्थ वाला फॉल्स है। फॉल्स इसमें क्या क्या हुआ है? अच्छा देखो, इस सेट के अंदर देखना है कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। इक्वल कब होंगे, जब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। इसके सारे ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है कैसे पता चल रहा है? देखो यदि मैं इसका ब्रैकेट्स की वजह से, यदि ये ब्रैकेट हटा दें तो क्या एलिमेंट दोनों में सेम दिख रहे हैं क्या? नहीं, अलग अलग हो गए ना। ये अनइक्वल है सर, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स है। ये बताओ आप, ये ट्रू है। ट्रू है। हाँ ये वाला ट्रू है। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें बताओ? सेकंड वाले में कितने एलिमेंट्स हैं? देखो एलिमेंट्स हमेशा कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। वन टू, तो इसमें तीन एलिमेंट्स है। तो बताओ ये ट्रू है कि नहीं? ट्रू है। इसकी वजह से कौन से एलिमेंट ट्रू है? सेकंड वाला, ये बीच में ट्रू होगा। हाँ, ट्रू है, दिस इज ट्रू, लेकिन किस एलिमेंट की वजह से ट्रू है? पहले वाले की सेकंड वाले? सेकंड वाले के लिए एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। हाँ, इसमें एज इट इज दिखना चाहिए। समझ आया ना? हाँ। ये बताओ, आप बताओ ये वाला सिचुएशन क्या है? ये भी करेक्ट है, ये भी ट्रू है। हाँ, ये भी करेक्ट है। हाँ, ट्रू है। ट्रू है। हाँ सर, लेकिन ये किस एलिमेंट की वजह से ट्रू है? सेकंड, पहले वाले की वजह से, क्योंकि सबसेट आ गया ना, तो सबसेट का सिंबल है, तो ये इस एलिमेंट को सेट के अंदर डाला गया, तो पहले वाले की वजह से ये ट्रू हो गया। अच्छा, अभी एट वाला देखो, बताओ एट वाला। फॉल्स। फॉल्स है। फॉल्स है। वो सेट नहीं है। सेट ही नहीं है। हाँ, फॉल्स है। 9 भी फॉल्स। हाँ। तो ऐसा क्यों फॉल्स बता देते हैं? इसको 9th वाला भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 9th वन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ यही एलिमेंट है ना, और इसमें जो एलिमेंट है वो ये है। 9th ट्रू है ना? नहीं, फॉल्स है। फॉल्स ही है। दोनों में अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अलग अलग एलिमेंट्स। इसमें जो दो कर्ली ब्रेस आ जाए, बोले कि ये देखो ये वन इसमें बिलोंग कर रहा है, वन इसमें है, तो ऐसा नहीं है। एलिमेंट की तरह ये फॉल्स हो गया। पता चल रहा है कि एलिमेंट, क्योंकि इन दो को हटा देंगे ना, दो कर्ली ब्रेस, तो ये जो बच जाएगा वो सब एलिमेंट ही होता है। इस कर्ली ब्रेस को हटा देंगे तो जो बचेगा वो एलिमेंट ही है। इधर एलिमेंट है और इधर एलिमेंट, दोनों ही अलग अलग एलिमेंट है। हाँ, क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट सर, वो कल डाउट्स भेज रहे थे आपको, कुछ वो सॉल्व कर सकते हैं? सारे करेंगे बच्चे लोग, हम लोग इसमें, है ना? सारे, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन करने, तो डोंट वरी अबाउट। क्या ये 9th क्वेश्चन क्लियर हो गया ना अच्छे से? हाँ सर, क्लियर हो गया। बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? ए में तीन है। सर ऊपर कर सकते हैं, स्क्रोल अप कर सकते हैं का थोड़ा? हाँ, तो पहले ए में 3 है और नहीं, मतलब ये है। अच्छा, हाँ ये है ना। हाँ बता, बी में कितना है? तो इनफाइनाइट एलिमेंट x greater than equal to 0 less than equal to 1 and it's a rational number। ये भी इनफाइनाइट हो गए। नहीं, दोनों इनफाइनाइट है। हाँ b और c दोनों इनफाइनाइट है। अच्छा ये बताओ b में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? 18, 16, 14, up to negative infinity. 10, 8, 6, 4, 2, 0, minus 2, minus 2, minus 4, minus 6. चलता ही रहेगा। To infinity. सी में कितने एलिमेंट हैं? इसमें भी इनफाइनाइट। एक स्टेटमेंट आपको पता होगा, इन बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। हाँ सर। रैशनल नंबर्स numbers there are finite rational number। समझ आया क्या? ये हाँ सर हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट आप अच्छा आप तुम ये कर सकते हो ना, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, चलो ना ये तुम्हारा होमवर्क 11 होमवर्क। कौन सा होमवर्क है? 11। अच्छा ठीक है। फॉल्स 11 क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है सर। 11 हो गया। 12 कर लीजिए ठीक। नहीं 12th भी तुम होमवर्क करो, ऐसा होमवर्क करो। अच्छा है ना? अच्छा ठीक है। 11 क्वेश्चन 11, 12, 13। अब ये 14 के लिए थोड़ा ये देख लेते हैं वेन डायग्राम, है ना? वेन डायग्राम क्या होता है या और आगे थोड़ा इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, ये समझ लेते हैं। और वेन डायग्राम समझ। वेन ने क्या कहा कि एक बहुत बड़ा सेट बनाया है या यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? हाँ सर ये यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट ठीक है। और सेट को सर्कल से बनाया। हाँ सर सेट को सर्कल से डिनोट कर दिया, जितने भी सेट हैं वो सर्कल। तो आप सेट से ये मेरे पास है 1, 2, 3 ठीक है। यूनिवर्सल सेट ना इन सेट पे डिपेंड करता है कि ये सेट क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट आप ले सकते हो। जैसे यूनिवर्सल सेट यदि सेट ए का है, सिर्फ एक ही सेट है, तो इसके लिए यूनिवर्सल क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4 सबसे छोटा 3 है। 1, 2, 3, 4 ये भी ले सकते हैं आप, चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 up to 9। डिपेंड करता है कि किस तरह के सेट आपके गिवन है, उसी के हिसाब से हम लोग यूनिवर्सल सेट डिजाइन करते हैं। तो यदि सेट हो गया ठीक है, ये सेट ना ये सेट इसके अंदर वाला पोर्शन है, और इसके बाहर वाला जो सेट होता है उसके ऊपर उसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। एग्जाम्पल कि लेट्स से ए या यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 up to ... 9 ओके। इस लेट्स से 1, 2, 5, 7, तो बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे? जीरो। जीरो, जीरो, 3, 4, 6, 8, 9। हाँ, ये x हो गया यूनिवर्सल। कई बार ये u से भी डिनोट कर देते हैं, कैपिटल U से, है ना? और अंदर ही हाँ। अभी मैं ये बना रहा हूँ, इसके अंदर लिखा जाएगा 1, 2, 5, 7 हो गया, ठीक है? तो इसके बाहर ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट ए के बाहर होता है, इसमें क्या क्या आएगा बताओ? 0, 0, 3, 4, 6, 8, 9, 9, 9, 9 आएगा ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, अभी तो यूनिवर्सल सेट में के अंदर एक सेट था, अब यदि यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 और मोर देन 2 सेट आ जाते हैं, ध्यान से सुनिए, लेट्स से इसके अंदर ये एक सेट ए आ गया, ऐसा ए हो गया, और एक सेट यहाँ पे बी आ गया, ये बी है और ये यूनिवर्सल है। तो अब देखते हैं कि इन्होंने कितने रीजन प्लॉट किए हैं। एक तो ये रीजन है 1, और ये 2 है, ये 3 रीजन हो गया, और ये 4। इन चारों रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं, ये रीजन है क्या? तो पहला जो रीजन है, ध्यान से सुनिए, रीजन 1, ठीक है? तो ये इसकी खासियत क्या है? दिस इज कॉमन ए एंड बी। ये समझ रहे हैं कि ये जो पहला रीजन क्या है, ए और बी में कॉमन है, तो इस कॉमन रीजन को डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ए यूनियन इंटरसेक्शन। ये किसका सिंबल है बताओ? इंटरसेक्शन, एक्सेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? जो दोनों में कॉमन हो। हाँ, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पे 1 आएगा ना इंटरसेक्शन। सर वापस टाइम खत्म होने वाला है, 9 मिनट है। ये सेट ले लेते हैं, ये सेट ले लेते हैं 0, 1, 3, 5। ये सेट ले लेते हैं 1, 3, 7, 9। कैसे चलेगा? हाँ बताओ। तो 1 और 3 इंटरसेक्शन है। 1 में कौन कौन से रीजन आएगा, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 और 3। 1, 3 आ जाएगा इसमें। 1 और 3 कौन सी एलिमेंट है बताओ? लोग कितने हैं? 0 और 5। 0 और 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 और 5। 0 और 5। देखो 1, 3 है इधर आगे, और उधर 7 और 9। 7 और 9 और बीच में 2 और 4 आ जाएंगे, 4 और 6, 8 भी और 6 नहीं आएगा, ठीक है? अब यदि हम कहें कि बताओ ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन आएगा 1, 3। समझ आया? हाँ। आप डेफिनेशन लिखिए, कलेक्शन x belongs to A and x belongs to B, ये डेफिनेशन। हाँ, ऐसे एक्स का कलेक्शन जो ए में भी है और साथ ही साथ बी में भी है। पहला रीजन समझ आया? नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, है ना? तो 2 वाला रीजन मतलब सिर्फ इतना, वाला रीजन मतलब बस इतना, ये वाला पोर्शन ई 2 है। इसको डिनोट करते हैं ए माइनस बी। इसका मतलब है एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी। ए के बे एलिमेंट जो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी, इनका सेट होगा, इनका सेट ए माइनस बी बनेगा। या इसी को बोलते हैं ए अलोन। क्या बोलते हैं? ए अलोन। ए अलोन मतलब सिर्फ और सिर्फ ए में है। सिर्फ और सिर्फ यदि इस पर्टिकुलर की बात करें तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? देखो a के b एलिमेंट जो b में ना हो, तो देखो जीरो इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? जीरो और 5, है ना? मत तो नहीं लेंगे। 3 इसमें है, नहीं लेंगे। 5 इसमें है क्या? नहीं है, तो आ जाएगा। ए माइनस बी क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। रीजन 3 बताओ। बी माइनस रीजन 3 बी माइनस बी माइनस ए हो जाएगा। बताओ बी अलोन आ जाएगा 7 and 9। बोल सकते हैं हेलो। हाँ समझ आ रहा है क्या? हाँ सर, आपकी आवाज थोड़ी ऐसे कम हो रही है बीच में। अभी नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन देखते हैं। एक आता है यूनियन। हाँ यूनियन मतलब सारे जब ए और बी दोनों में से सारे कंबाइन मिलकर, हाँ दोनों मिलकर जब एक सेट बनता है तो यूनियन आता है। और एक्स बिलोंग्स टू बी। बी का मतलब ऐसे एक्स का कलेक्शन जो ए में बिलोंग करे या फिर बी में बिलोंग करे। मतलब ए यूनियन रीजन हो जाएगा पूरा। क्या ये पूरा इनसाइड हो जाएगा ये वाला रीजन? हाँ ये पूरा रीजन मतलब 1, 3, 5, 0, 1, 3, 7, 5 और 9। तो ए यूनियन बी यदि यहाँ पे लिखें, ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा बोलो? 0, 1, 3, 5, 7, 9। अच्छा इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखें। ए यूनियन बी का इसका कॉम्प्लीमेंट 2, 4, 6 और 8 आएगा। 4, 6, 8 आएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं U माइनस ए यूनियन बी। हाँ बिल्कुल लिख सकते। समझ आया क्या?